बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास थ्री। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास थ्री, लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, मोशन एंड फोर्स एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टर्म। डियर चिल्ड्रन, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं। सम थिंग्स आर इन मोशन, कुछ चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं, एंड सम थिंग्स आर एट रेस्ट, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एट रेस्ट यानी अपनी जगह पे पड़ी होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट हाउ थिंग्स मूव एंड स्टे एट रेस्ट। चलें अब हम लोग सीखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मूव करती हैं और कौन सी हैं जो स्टे एट रेस्ट यानी जो रेस्ट पे हैं। व्हाट इज़ मोशन? एनीथिंग डैट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन इज इन मोशन, यानी वो चीज़ जो अपनी पोजिशन को चेंज करती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ फ्लाइंग बर्ड, जैसे कि उड़ता हुआ परिंदा, एंड अ वॉकिंग बॉय, एक जो चलता हुआ लड़का है, एंड अ स्विमिंग फिश एट्सेट्रा। ये जो तीनों उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, ये जो हैं ये मोशन की एग्जाम्पल्स हैं, यानी हर वो चीज़ जो अपनी पोजिशन को चेंज करती है वो मोशन में होती है। जैसे कि उड़ता हुआ परिंदा है, एक चलता हुआ लड़का है, और एक स्विमिंग फिश है, तो ये तमाम जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं मोशंस की। मोशन एंड फोर्स में टाइप्स ऑफ मोशन, यानी इसकी टाइप्स के बारे में आपको हम लोग डिस्कस करते हैं। देर आर थिंग्स मूव इन डिफरेंट वेज, यानी थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट वेज से मूव करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर फोर टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशंस की कितनी टाइप हैं? फोर टाइप्स हैं। इज़ अ लीनियर मोशन, इज़ अ सर्कुलर मोशन, इज़ अ बैक एंड फोर्थ मोशन, एंड अ ज़िगज़ैग मोशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जब कोई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। तो इसको हम कहते हैं ये लीनियर मोशन में है। फॉर एग्जांपल मूविंग अ कार ऑन द रोड, और अ फ्लाइंग या एयरप्लेन, यानी अगर एक कार जो है वो एक रोड पे, एक स्ट्रेट रोड पे मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसको कहते हैं ये लीनियर पोजीशन में मूव कर रही है, इज़ अ लीनियर मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मूविंग कार है, और एक जो एयरप्लेन्स होते हैं वो अपने रूट पे जो मूव करते हैं, तो उस रूट पे उनकी मूवमेंट जो है वो लीनियर मोशन कहलाती है। नेक्स्ट इज़ अ सर्कुलर मोशन। When an object move in a circle form, and the movement of that object is called a circular motion. यानी जब कोई चीज़ जो है वो circular form, गोल शेप में move करती है, look at these pictures, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो circular motion है। For example, a wheel of a motorcycle, जैसे कि motorcycle का जो wheel है वो गोल चक्कर लगाता है, circular form में move करता है, and a fan or a मैरी गो राउंड। इसी तरह ये देखें, इसने बताया है ये जो फैन है ये भी राउंड शेप में मूव करता है, तो इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह जो व्हील है मोटरसाइकिल्स के, तो ये भी जो है ये सर्कुलर शेप में मूव करते हैं, राउंड शेप में, तो इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। और ये जो एक उसने झूला बताया हुआ है मैरी गो राउंड है, ये भी जो है ये एक सर्कुलर शेप में मूव करता है, तो उसको सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स का देंगे। नेक्स्ट इज़ बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कुछ ऐसी मोशंस होती हैं जो आगे और पीछे को मूव करती हैं। जैसे कि सम ऑब्जेक्ट्स मूव बैक एंड फोर्थ, मूवमेंट्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड बैक एंड फोर्थ मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, यानी जो क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा होता है वो कभी आगे और पीछे मूव करता है, एंड अ स्विंग, और एक जो ये झूला होता है ये भी आगे पीछे मूव करता है, दिस इज़ अ स्विंग, ये जो है कभी आगे और कभी पीछे मूव करती है, तो इसको बैक एंड फोर्थ मोशन का नाम देते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मूव बैक एंड फोर्थ, एंड मूवमेंट्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड बैक एंड फोर्थ मोशन। फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एंड अ स्विंग, यानी क्लॉक के नीचे जो एक पेंडुलम लगा होता है वो कभी राइट और कभी लेफ्ट जो है वो मूव करता है। इसके साथ साथ ये स्विंग है, यानी ये जो झूला है इसको ये कभी पीछे और कभी आगे मूव करता है, तो इसको जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन की एग्जाम्पल्स में देंगे। नेक्स्ट इज़ ज़िगज़ैग मोशन।
zigzag motion means some objects move in a on a zigzag path, and the movements of such objects are called zigzag motion. For example, snake moves in a zigzag style. यानी snake की जो movements होती है वो zigzag होती है. तो इसको ये इसकी motions को हम लोग कहते हैं it's a zigzag motion, क्योंकि ये इसकी जो मूवमेंट है वो zigzag स्टाइल में होती है, जिसकी वजह से ये zigzag मोशन में आता है. वट इज़ फोर्स? नो मूव ऑन द फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स. फोर्स इज़ एन एक्ट दैट ब्रिंग्स समथिंग इन मोशन. यानी फोर्स एक ऐसी ताकत जिसको हम कह सकते हैं जो किसी चीज़ को मूव कर सकती है, किसी चीज़ को मोशन में ला सकती है. द फोर्स ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग मेक्स एनी थिंग्स टू मूव. यानी किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना तो उसको वो मूव करता है, उसको मूवमेंट में लाता है. एंड द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स. इसकी वजह से जो है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है. एंड दे कैन स्टॉप मूविंग थिंग्स. और इसकी वजह से आप फोर्स लगाने से किसी चीज़ को स्टॉप भी कर सकते हैं और किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए उसने एग्जाम्पल्स दी हैं. क्या फोर्स लगाने से ये जो टॉय कार है आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं. इसी तरह ये बास्केट है, इसको आप जो है वो स्टॉप कर सकते हैं या जो वो है मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है बॉल्स हैं, ये ड्रॉ हैं. अगर आप इसको पुल करेंगे तो ये आप अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे ये ओपन हो जाएगा. ये जो हैं ये फोर्स की एग्जाम्पल्स हैं. नो मूव ऑन द असेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टर्म. फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपने इनको जो है वो सूटेबल वर्ड्स के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है. सबसे पहले हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स में है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मोशंस. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोशंस. फोर टाइप्स आपने पढ़ी थी. उसके बाद है व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. यानी ये सर्कुलर शेप में मूव करता है, जिसको ये सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. स्नेक्स मूव्स इन अ ज़िगज़ैग स्टाइल. स्नेक जो है वो ज़िगज़ैग स्टाइल में मूव करता है. नेक्स्ट है फोर्स इज द पावर दैट ब्रिंग्स अ थिंग्स इन मोशन. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द थिंग्स. ये चीज़ों की डायरेक्शंस को चेंज करता है. नो मूव ऑन द मैच द कॉलम्स ए विद द कॉलम बी. कॉलम ए में पुश एंड पुल है, कॉलम बी में है टाइपिंग अ कंप्यूटर कीबोर्ड, ओपनिंग अ कार डोर, वीरिंग ट्राउजर्स, प्लकिंग फ्लावर्स एंड किकिंग अ फुटबॉल एंड थ्रोइंग अ बॉल. ये जो है इसमें पुश कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, पुल कौन सी हैं. पुश में आप जो है वो थ्रो करेंगे एक बॉल को, किकिंग अ फुटबॉल, एंड इसके अलावा आप जो हैं टाइपिंग अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ पुश, यानी पुश करने के एग्जाम्पल्स हैं. ओपनिंग अ कार डोर तो उसको आप पुल करेंगे. वेयरिंग अ ट्राउजर. नेक्स्ट है फूल को तोड़ना इज प्लकिंग करना इज अ पुल. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, पुल. यहाँ पे आपने कॉलम बी कंप्लीट किए. नो मूव ऑन द राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. आप जो हैं ये क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे जो है वो सॉल्व करें. लेट्स ओपन योर नोटबुक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन इज what is motion. The answer is anything that is changing. Anything that is changing its position. Is in motion. Next question. How many types of motion are there?
types of motion are there. There are four types of. The answer is there are four types of motion. Next question, question number three. What is linear motion? When an object move in a straight line, it is called linear motion. Next question is, what is circular motion? What is circular motion? When an object moves in a circular circle, the movement, जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है, the movement of that object, तो इस ऑब्जेक्ट की जो मोमेंट है is called circular motion. And the last question is, what is back and forth motion? What is back and forth motion? Some object move back and forth. Movement of such objects are called back and forth motion. Now the answer question is also completed. Here your third term syllabus is completed. Okay kids, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।